कन्याएं जो हमारी स्वस्थ सबल रह पाएंगी, भविष्य में स्वस्थ परिवार का पालन कर पाएंगी। तो आइए इसी कामना के साथ पेश करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ का कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में तो लो भाई, जन पहल के एक और प्रोग्राम के साथ हम सब हाजिर हैं। मैं मतलब कि आपकी काकी अपने आशीर्वाद के साथ, मैं यानी विद्या आप सब के लिए नमस्कार के साथ, और मैं हूँ आपका बंधु मतलब कि चंदू आपके लिए अपने दिल में बहुत सारी जगह के साथ। अरे वाह रे चंदू, आज तो बड़ा ही अच्छा बोला रे। हाँ काकी, मैं घर से याद करके आया था। अच्छा चंदू, ये बताओ क्या तुम्हें याद है? मतलब आप क्या समझती हैं, मेरी याददाश्त गुम हो चुकी है? नहीं नहीं चंदू, वो बात नहीं है। अरे मैं बताऊं विद्या बेटी, याददाश्त तो चंदू की तब गायब हुई थी जब ये स्कूल में पढ़ता था। बताऊं तुम्हें क्या हुआ था? बताओ। रहने दो काकी, तुम तो खूब नमक मिर्च लगा कर सुनाओगी, मैं ही बता देता हूँ क्या हुआ था। हाँ हाँ बताओ तो। एक दिन हमारे विज्ञान वाले मास्टर जी कक्षा में आए, तो हाथ में उनके एक गिलास था जिसमें नीला सा पानी भरा हुआ था। वो जरूर कोई एसिड होगा। हाँ विद्या बहन, तो उन्होंने वो गिलास मेज पर रखा और अपनी जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाल कर उस नीले से पानी में डाल दिया और बोले, बताओ लड़को इस पानी में ये सिक्का पिघलेगा कि नहीं? तो मैंने जवाब दिया, नहीं मास्टर जी नहीं पिघलेगा। तो वो बोले, शाबाश चंदू, पर तुम्हें कैसे पता चला कि इस एसिड में सिक्का नहीं पिघलेगा? तो मैंने जवाब दिया, मास्टर जी जो ये पिघल जाता तो आप इसमें अपना सिक्का डालते ही नहीं। बस विद्या बेटी, इसका जवाब सुनकर मास्टर जी ने इसके कान के नीचे 2 रैपटे ऐसे मारे कि चंदू की याददाश्त थी गुम हो गई 2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्तों के लिए? तो फिर याददाश्त वापस कैसे आई? अब किसी ने कहा कि मास्टर जी इसे दबाकर 2 रैपटे फिर मारो, क्या पता याददाश्त लौट आए। हाँ विद्या बहन, फिर ऐसा ही हुआ, 2 रैपटे और खाकर मेरी याददाश्त ऐसी वापस आई कि आज तक गई नहीं। वैसे विद्या बहन, तुम मुझे क्या याद दिला रही थी? अरे चंदू, मैं तो यही पूछ रही थी कि हमने पिछले प्रोग्राम में क्या सुनवाया था, याद है तुम्हें? याद क्यों नहीं है विद्या बहन, हमने पिछले प्रोग्राम में सुनवाया था कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए SMC को क्या करना चाहिए। हाँ, और इसके बारे में बताते हुए जिक्र हुआ था WIFS यानी वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है। मतलब कि किशोर बालिकाओं को स्कूलों में दी जाने वाली हफ्तावारी आयरन की गोली का। हाँ विद्या बहन, हमने इस बारे में बताया था। हाँ चंदू, ठीक याद आया तुम्हें। तो ये गोलियाँ किशोर आयु की बालिकाओं को दी जाती हैं। ये शरीर में लौह तत्व को बढ़ाती हैं। इनका कोई भी अन्य असर यानी साइड इफेक्ट नहीं होता। इस प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ विद्या बेटी, इस प्रकार की मिथ्या बातें तो मिटाई ही जानी चाहिए, और जो इन गोलियों से जुड़ी सावधानियाँ हैं वो भी परिवार और माता पिता को बताई जानी चाहिए। जैसे आयरन वाली गोली खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए। हाँ, और ये बातें पूरी करने में SMC को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हाँ चंदू, तो अब हम WIFS और इससे जुड़ी अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं आज की नाटिका के जरिए, जिसे हम सुनवाने वाले हैं इस लोकगीत के बाद। जब तक बने नहीं शौचालय, बलम ससुराल न जाऊंगी, पहले करो व्यवस्था पूरी, तब तेरे घर में आऊंगी।
भाई वाह सरला, आज तो तुमने कमाल का खाना पकाया। भाजी तो मुंह से उतर ही नहीं रही, और दाल भी ऐसी पकाई है कि अगर किसी मुकाबले में जाए तो पहला इनाम लेकर आए। क्या बात है मास्टर जी, आज हमारे खाने की बड़ी तारीफ हो रही है। भाई खाना अगर अच्छा पका हो तो खाना पकाने वाली की तारीफ तो करनी चाहिए। भैया खाना तो भाभी रोज ही अच्छा पकाती है, पर आज आपके मन में कोई खुशी है जो इतनी तारीफ कर रहे हैं आप। सुन लो, तुम्हारी छोटी बहना ने बिल्कुल ठीक कहा, आदमी के व्यवहार पर मन बड़ा असर करता है। मन खुश तो सबसे व्यवहार अच्छा, और मन दुखी तो सबसे शिकायत। भाई तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना, मेरे मन को अच्छा तो लग रहा है। तो आज क्या अच्छा लगा आपको? भाई सरला, हमारे स्कूल में जब बालक बालिकाओं को पढ़ाई लिखाई, सेहत या खेल कूद की कोई भी सुविधा मिलती है तो मुझे एक अध्यापक होने के नाते सच में अच्छा लगता है। तो आज क्या अच्छा लगा आपको स्कूल में? अरे बिंदिया, वो आजकल सरकार के स्वास्थ्य मिशन के तहत साप्ताहिक रूप से आयरन की गोली विद्यार्थियों में बांटी जाती है, तो आज उसी के वितरण का दिन था, तो मैंने कहा ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ भैया, ये गोलियां किशोर लड़कियों की सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छी हैं। गोली वितरण के इस कार्यक्रम को WIFS कहा जाता है, यानी वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तू तो बहुत कुछ जानने लगी। भाभी मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ, इसलिए ऐसी जरूरी बातों की जानकारी इंटरनेट से ही प्राप्त करती रहती हूँ। वैसे बिंदिया, इन गोलियों का मुफ्त वितरण शुरू करवाने के लिए हमारी SMC ने भी अपनी भूमिका निभाई है। तो भैया अब SMC वालों से कहें कि इनका वितरण नियमित रूप से करवाएं। किशोरियों को इनका पूरा फायदा इनके नियमित सेवन से ही मिलता है। अच्छा बिंदिया, और क्या बातें जरूरी होती हैं आयरन की इस गोली के बारे में? भैया किशोर लड़कियों को कुपोषण यानी एनीमिया की अवस्था से बचाने या शरीर में हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाली ये गोलियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पर बिंदिया, ये तो किशोर लड़कों को भी दी जा सकती है। हाँ भैया, देखो मैंने इधर इंटरनेट पर इनकी जानकारी वाली साइट निकाल ली है, तो ये गोलियाँ 10 से 19 वर्ष की अवस्था वाले लड़के लड़कियों को दी जाती हैं। मतलब कि 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है? हाँ, हाँ भाभी, लेकिन किशोर लड़कियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मासिक धर्म की शुरुआत होने पर उनके शरीर से काफी मात्रा में लौह तत्व निकल जाता है, तो गोलियों से उसकी भरपाई होना जरूरी है। तो स्कूल में ये गोलियां सप्ताह के एक निश्चित दिन बांटी जानी चाहिए, और इनके साथ साथ लड़कियों को खान पान और स्वच्छता से जुड़ी दूसरी बातें भी बताई जानी चाहिए। भाई हमारे स्कूल में तो लड़कियों को ये भी बताया जाता है कि स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए लड़कियों को किन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए और कैसे उठाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है भैया। मासिक धर्म के अलावा किन्हीं और कारणों से भी तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है? हाँ भाभी, यहाँ लिखा है अगर पौष्टिक भोजन ना मिले, या कभी मलेरिया हो जाए, या पेट में कीड़े हो जाएं, तो भी ऐसी हालत हो सकती है, इसीलिए आयरन की ये गोली लेनी बहुत जरूरी है, इसीलिए तो सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया है। ठीक बात है, ये लौह तत्व या आयरन की कमी के कारण लड़कियां एनीमिया की शिकार हो जाएं, तो फिर आगे उनके वैवाहिक जीवन और मातृत्व जीवन में कई कठिनाइयां और जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। हाँ भाभी, इसीलिए आयरन की गोली के साथ लड़कियों को पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल होनी चाहिए, और साथ ही शरीर और माहौल की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा बिंदिया, अगर कोई लड़की एनीमिया की शिकार है तो इसका पता कैसे चलेगा? भैया इसके कुछ लक्षण हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। जैसे वजन कम होना, भूख ना लगना, त्वचा में पीलापन आना, थोड़ी सी मेहनत से सांस फूल जाना, चक्कर आना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना आदि, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बिंदिया, मैं इस बारे में अपने स्कूल की लड़कियों को भी शिक्षित करूंगा। तो अब ये बर्तन उठा लूं या दाल भाजी कुछ और चाहिए? सच कहूं सरला, पेट तो भर गया पर जी नहीं भरा। भैया भाई, ये आयरन की गोलियां खाना तो लड़कियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाँ काकी, लेकिन इन गोलियों का सेवन करने वाले विद्यार्थियों की शारीरिक अवस्था का ध्यान रखना चाहिए। कई बार गोली खाने के बाद कुछ उल्टी वगैरह आ सकती है, लेकिन बाद में इसकी शिकायत नहीं रहती। वैसे लड़कियों को विटामिन सी भी लेना चाहिए,
जो संतरे या आंवले आदि से प्राप्त होता है। इससे क्या होता है विद्या बहन? चंदू, इससे शरीर में लौह तत्व ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो अब हम अपनी क्षमता का उपयोग कैसे करें? तुम एक प्रेरक संदेश सुनाओ और क्या। मैं जी गांव अनोरा लखनऊ की वासी प्रेमवती हूँ, और जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल स्कूल में बच्चों को जो मुफ्त में वो ताकत की दवा पिलाई जाए है, तो जी ये सरकार का ना बहुत ही नेक काम है। अब देखो जी, बच्चा बढ़ता है, खेलता है, कूदता है, पढ़ाई लिखाई भी करता है, तो उसकी सेहत तो भाई ठीक होनी ही चाहिए ना। और सेहत ठीक होती है जी खुराक से। अब घर में तो कभी कभी ऐसी खुराक ना मिलती, मजबूरी होती है जी, नहीं तो कौन अपने बच्चों की सेहत का ध्यान ना रखना चाहे है। तो अब ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को स्कूल से मिलने वाली ये दवा जरूर ही पिलानी चाहिए। तो विद्या बहन, कर ली है हमने बातें ढेर सारी, तो क्यों ना करें अब चलने की तैयारी। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। भाई पता तो आपने नोट कर लिया, अब अपने बंधु चंदू की एक बात और भी समझ लो। अगर आपकी जानकारी में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी या SMC की जिम्मेदारी को निभाने वाली कोई सच्ची घटना है, तो वो हमें लिख भेजिए। आपकी घटना हमारे लिए और बाकी SMC के लिए प्रेरणा का काम करेगी। भाइयों बहनों, तो अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में अगर आपके पास कोई सच्ची घटना हो तो हमें जरूर लिखें, हम जन पहल में उसे शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी, आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में।